कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर एनालिसिस अच्छा लगे, आपको व्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करते ही आप दोनों जगह पर जुड़ सकते हो। यहाँ पर जो भी एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वही एनालिसिस मैं सिखा भी रहा हूँ, सो डिस्क्रिप्शन में उसका भी डेमो लेक्चर का लिंक अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी देख सकते हो, काफ़ी सारा नॉलेज आपको मिलेगा। सो SBI रिसेंटली मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था, करीबन 402 के आसपास बोला था कि लक्ष्मण रेखा ये स्टॉक की। सो वहाँ से आप देखो तो रिटर्न टेल डेट 8% का रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, फैंटास्टिक जंप हमें देखने को मिल रहा है। सो PSU बैंक की अगर मैं बात करता हूँ तो SBI जैसा कोई चार्ट नहीं है, ठीक है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी जो साइडवेज स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था लेकिन स्ट्रक्चर अभी चेंज हो रहा है और अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, सो इम्प्रूवमेंट है चार्ट के अंदर, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ पर ये बाइंग करके रखा हुआ है मैं उनको होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ, और हायर साइड्स के टारगेट अभी भी ओपन है 460, यहाँ से इमीडिएट टारगेट हो सकता है। जिन लोगों ने भी अभी तक बाइंग नहीं किया हुआ है अगर उन लोगों को बाइंग करना हो तो भी मैं यहाँ पर एडवाइस दे रहा हूँ कि किसी को भी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर भी बाई करना हो तो आप ज़रूर बाई कर सकते हो। 432 के आसपास जो ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक के अंदर, 432 से 428 के बीच में किसी को भी बाइंग करना हो तो आप ज़रूर बाइंग कर सकते हो, और इसके अंदर एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है वो है 424 रुपीज़ का। जिन लोगों ने लोअर लेवल पर भी बाइंग किया हुआ है उनको भी मैं वही सजेशन दे रहा हूँ कि आपको 424 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। हायर साइड्स की अगर मैं बात करता हूँ इमीडिएट टारगेट मुझे 460 के आसपास के दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर भी कोई ऐसा हर्डल्स है नहीं, वहाँ से भी स्टॉक्स हायर लेवल ज़रूर दिखाएगा। SBIN के अंदर जिस तरह से मैंने बताया है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, किसी को भी काम करना हो आप ज़रूर काम कर सकते हो, चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर हम काम कर रहे हैं। अगर यही एनालिसिस आपको भी सीखना है तो ज़रूर आ सकते हो मेरे पास। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ अपने आँखों को और दिमाग को ट्रेन कीजिए, इंडिकेटर के सहारे मत काम कीजिए। योर आई इज़ द बेस्ट इंडिकेटर इफ़ यू नो वॉट यू आर लुकिंग फॉर। मेरा एडवाइस आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में गाइस फिर से मिलेंगे। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।